ये एक बड़ी तश्वीशनाक बात है कि सिक्स फॉर जस्टिस के जो हेड हैं गुरपतवंत सिंह पुन्नू, हाँ उन्हें भी टारगेट कर लिया गया है इंडिया की तरफ से। उनके ऊपर रिपोर्टेडली अमेरिका के अंदर अटैक भी किया गया है। अच्छा अब्दुल्ला, ये 45 दिन में तीन बड़े रहनुमा हैं जो खालिस्तान मुहिम से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे या खालिस्तान मुहिम के लिए किसी न किसी तरह से काम कर रहे थे, तो ये तीसरा मर्डर है? लेट मी मेक द लार्जर पॉइंट दैट द इशू इज नॉट अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट इट्स मिसयूज फॉर एडवोकेटिंग वायलेंस, फॉर प्रोपगेटिंग सेपरेटिज्म एंड फॉर लेजिटिमाइजिंग टेररिज्म। इन्होंने कहा है कि जी कनाडा में इन्होंने तलब कर लिया था उनके हाई कमीशन को, हाई कमिश्नर को। पाकिस्तान के अंदर भी कोई एक मर्डर हुआ था पिछले दिनों में, एक सरदार और जिसके बारे में कहा जाता है कि ही वाज वांटेड इन इंडिया, कि वो हलाक कर दिए गए। जो फ्रांस में हो रहा है ना, यही तुम्हारे मुल्क में होगा। तुम देख लेना, आज मुझसे लिख के ले लो, तुम्हारे मुल्क में यही होगा। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। शमाली वजीरिस्तान के ज़िला मीरान शाह के इलाके में खुदकुश बम्बार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके में पाक फौज के 3 जवान शहीद और 3 शहरी जख्मी हो गए। पाकिस्तान की आर्मी के पास खत्म हुआ तेल, जिससे कि उसके टैंक चले या उसके व्हीकल्स चले, उसके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स चले, जो सैनिकों को ले जाने के लिए तेल भी नहीं है, इसीलिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस कैंसिल करनी पड़ी। भारत तो बार बार ये कहता है कि जी ये इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, अदरवाइज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो वेल। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कनाडा में बढ़ रही खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर भारत सरकार ने कनाडा के राजदूत को तलब किया है। भारत ने खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि खालिस्तानियों ने भारतीय राजनयिकों के नाम वाले कुछ पोस्टर जारी किए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए भारत ने कनाडा के राजदूत को तलब किया। खालिस्तानी पोस्टरों में भारतीय राजनयिकों के नाम के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय से सख्त प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह मुद्दा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं बल्कि आतंकवाद का है। मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय राजनयिकों मिशन के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले पोस्टर अस्वीकार्य हैं। हमारी सरकार के लिए भारतीय राजनयिकों मिशन की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि हमारे पाले हुए आतंकवादी भारत चुन चुन कर ठोक रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा अब्दुल्ला, ये 45 दिन में तीन बड़े रहनुमा हैं जो खालिस्तान मुहिम से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे या खालिस्तान मुहिम के लिए किसी न किसी तरह से काम कर रहे थे, तो ये तीसरा मर्डर है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। देखना ये है कि ऐसे इकदाम से क्या खालिस्तान तहरीक को नुकसान पहुँच रहा है। इसके साथ साथ ये एक बड़ी तश्वीशनाक बात है कि सिक्स फॉर जस्टिस के जो हेड हैं गुरपतवंत सिंह पुन्नू, उन्हें भी टारगेट कर लिया गया है इंडिया की तरफ से। उनके ऊपर रिपोर्टेडली अमेरिका के अंदर अटैक भी किया गया है। पहले पूरा एक दिन भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट करता रहा कि वो हलाक कर दिए गए हैं, उन्हें मर्डर कर दिया गया है। भारत तो बार बार ये कहता है कि जी ये इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत छोटे लोगों का एक गिरोह है जो इस तरह की साजिश भारत के खिलाफ कर रहा है। भारत तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। दोस्तों, सबसे पहले तो एक खबर है कि भारत की सरकार ने जो कैनेडियन डिप्लोमेट हैं, कैनेडियन एम्बेसडर हैं इंडिया में, उनको तलब कर लिया है। और उसके साथ साथ जो है सैन फ्रांसिस्को में भारत का जो एक कौंसल खाना है उस पर भी हमला किया गया है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ना तो ये लॉ इजाज़त देता है, ना इसकी मोरालिटी इजाज़त देती है, ना पॉलिटिकली आप ये कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज़ के तहत आपने डिप्लोमेट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। मेरा ख्याल है इंडिया के लिए ये बड़ा सीरियस मसला बनता जा रहा है। इससे पहले अगर आपको याद हो कि बरतानिया में ऐसे हुआ, सैन फ्रांसिस्को, कैनेडा, तो ये जहाँ जहाँ पे ये वाकयात हो रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इंडियन सरकार थोड़ी टफ नज़र आएगी वहाँ पे। दिस इज़ व्हाट आई फाइंड आउट, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। और क्योंकि जैसे जैसे इंडिया का एक ग्लोबल जो स्टेचर बढ़ता जा रहा है, तैसे तैसे ये एक चीज़ जो है ये सामने आएगी। और ये जो खालिस्तान फ्रीडम रैली है,
जिसे वो कहते हैं ना कि ये मेरा ख्याल है कि ये इसमें वो तमाम तरीके जो इस्तेमाल किए जाते हैं विच आर नॉट पॉलिटिकल, विच आर नॉट लीगल, विच आर नॉट लॉन्ग टर्म, दे हैव नो फ्यूचर, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। और पर्टिकुलरली अगर आपके कोई राइट्स हैं, आपने मांगने हैं, तो डू इट पॉलिटिकली, डू इट लीगली। और ये नहीं है कि आप एक सॉवरन मुल्क की एक सॉवरन प्रॉपर्टी के ऊपर जाके उसको जो है वो तबाह करें, जला दें। एंड मेरा ख्याल है ये होस्ट गवर्नमेंट्स का काम है कि दे शुड टेक केयर ऑफ इट। और क्योंकि ये सारी लिबरल सोसाइटीज़ हैं, तो वो एक वो कहते हैं जी कि हम यहाँ पे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दिस दिस दिस, तो हम जो है वो नहीं रोक सकते या इनको नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह हमने देखा है पाकिस्तान ने कि जिस तरह डेनमार्क में सॉरी स्वीडन में चीज़ें हुई हैं या बाकी जगहों पे चीज़ें हो रही हैं, सो इट टेल्स के ये देर इज़ सम सीरियस, देर शुड बी सम सीरियस डिस्कशन इन वेस्टर्न वर्ल्ड के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अदरवाइज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो वेल, पर्टिकुलरली इन दिस एज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस वेयर ईच नेशन इज डिपेंडेंट ऑन अदर नेशन। सो ये एक जिसे कहते हैं ना बड़ी वेरी अनफॉर्चुनेट किस्म की रियलिटी है जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में देखने को मिल रही है। और हमें से किसी को भी वी शुड नॉट सपोर्ट एनी थिंग विच इज़ इल्लीगल, विच इज़ रॉन्ग, इरिस्पेक्टिव कि उसके पॉलिटिकल बेनिफिट्स होंगे किसी को या उसकी कोई पॉलिटिकल एडवांटेजेस होंगे। हमें जो चीज़ को देखना है वो ये है कि वेयर डज द लॉस इज, वेयर डज द इंटरनेशनल लॉस इज इन दिस केस। पाकिस्तान की आर्मी के पास खत्म हुआ तेल जिससे कि उसके टैंक चले या उसके व्हीकल्स चले, उसके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स चले, जो सैनिकों को ले जाने के लिए तेल भी नहीं है, इसीलिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस कैंसिल करनी पड़ी और दूसरे प्रोग्राम्स को डिले किया जा रहा है। ये खबर सबसे पहले नीरज राजपूत ने दी अपने एक आर्टिकल में। और अब नीरज राजपूत से ही हम बात करेंगे कि क्या सिचुएशन आज ये खबर। नीरज जी, सारे और चारों ओर हर जगह हर वेबसाइट हर न्यूज़पेपर ने उठा रखी है। बिल्कुल रोहित भाई, ये जो खबर आई है बेहद सबके लिए हैरान करने वाली है। हालांकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में हम लोग सब जानते हैं कि किस तरह से उसकी अर्थव्यवस्था जो है बदहाल है। तो उसमें अब क्या हो रहा है कि सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो तो सुपर रिच हैं, बिलियनियर्स हैं, उसमें करोड़पति अरबपति हैं सब उसमें। लेकिन अब क्योंकि अर्थव्यवस्था आपकी खराब है, तो आपको जो डिफेंस बजट जो मिलता है, रक्षा बजट जो मिलता है, और आपकी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि आप देश की अर्थव्यवस्था में किस तरह से अपना योगदान कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी सेना ने क्या किया, जो अपना पिछला वाला जो डिफेंस बजट जो हथियार खरीदने के लिए दिया गया था, तो वो उसका जो जितना भी फंड एलोकेट किया गया था वो वापस सरकार को दे दिया कि सरकार अपना जो अर्थव्यवस्था है उसको ठीक करने में रहे।